नशा मुक्ति अभियान के बारे में बताएं सर। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारत को नशा मुक्ति दिलाने का जो संकल्प किया है, इसी को लेकर मध्य प्रदेश में भी नशा मुक्ति कैसे हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी मुहिम चलाई है। आज अमलतास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज देवास, अमलतास नर्सिंग कॉलेज, अमलतास पैरामेडिकल कॉलेज और यहाँ जो अमलतास में जो संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं के द्वारा नशा मुक्ति के लिए आज शपथ ली गई और ये 2 अक्टूबर से 30 नवंबर तक जो नशा मुक्ति अभियान है, इसमें हमारे अमलतास के सारे विद्यार्थी, सारे यहाँ के डॉक्टर स्टाफ ये दिल लगा कर इसमें काम कर रहे हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि अमलतास में नशा मुक्ति केंद्र जो है, जो मुझे लगता है ये 4 जिले के अंदर ऐसा कोई केंद्र नहीं, जो काम यहाँ पर हुआ है वो काम एक मिसाल देने के जैसा है। तो इसीलिए आज जो नशा मुक्ति है देश में, युवा पीढ़ी जो है, ये युवा पीढ़ी ज़्यादा नशे के अधीन हो गई है। यहाँ हमारे बच्चों को, डॉक्टरों को, सारे विद्यार्थियों को ये संदेश जनता तक पहुँचाना है, क्योंकि एक रोल मॉडल बोलकर डॉक्टर काम कर सकते हैं, नर्सिंग के विद्यार्थी काम कर सकते हैं और इस रोल मॉडल में आज सारे डॉक्टर्स विद्यार्थी यहाँ पर आए। मैं सभी को धन्यवाद दूंगा कि इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में इन्होंने अपना सहभाग दिया। ये नशा मुक्ति यही हमारा लक्ष्य है और नशा मुक्त भारत बनाना और इस देश को, इस प्रदेश को नशा मुक्त बनाना, यही संकल्प ना लेके हमारा अमलतास काम करेगा। आपका नाम? मैं डॉक्टर शरद चंद्र वानखेड़े, मैं डीन अमलतास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज देवास।